ऑल राइट गाइस, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है 2022 की। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश कि ये साल आपके लिए कमाल एंड धमाल वाला हो। एंड तो जो भी आपकी विश हो, आई विश कि वो जल्दी से पूरी हो जाए इस साल में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, फाइनली हमारे पास बिना टोन की डोंगल आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखेंगे इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होने वाला है, एंड कौन कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ ये डोंगल आती है, एंड करेंगे इसका स्पीड टेस्ट एंड देखेंगे कि क्या ये डोंगल वर्थ इट है बाय करना। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। छोटे से पैकिंग में ये डिवाइस आती है। बिनेटोन की यहाँ पर ब्रांडिंग लिखी हुई है। एयरलिंक 4G मोबाइल हॉटस्पॉट डिवाइस एंड फास्ट इंटरनेट एवरीवेयर कंपेटेबल विद ऑल नेटवर्क 2G 3G 4G। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर फ्रंट में देखने के लिए मिलता है। एंड इसके अलावा अगर हम टर्न करते हैं इसको राइट साइड में, यहाँ पर कनेक्ट विद 10 वाईफाई डिवाइसेस, मतलब आप एट द सेम टाइम 10 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो इस बिनेटोन को। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आप इंजॉय कर सकते हो 4G नेटवर्क को अगर आपका डिवाइस 4G नहीं भी है। तो गाइस, इसकी बैक साइड पर यहाँ पर हाइलाइट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर 150 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। एंड इसके अलावा गाइस, 9 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा कॉन्टिन्यूसली। अगर आप यूज़ करते हो इस डिवाइस को तो आपको 9 आवर का बैटरी बैकअप, वाओ गाइस। तो यहाँ पर 2700 mAh की बैटरी है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी के साथ ये डिवाइस आता है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। यहाँ पर स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, या फिर CCTV कैमरा, एंड किसी भी डिवाइस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 6000 की MRP लिखी हुई है, बट गाइज आपको अमेजोन पर 3500 के अप्रोक्स मिल जाएगा। एंड गाइज, आपको पता ही है कि सभी डोंगल का जो प्राइस है वो हमेशा ही फ्लक्चुएट होता रहता है। लेफ्ट साइड में ये मेंशन किया हुआ है कि आप इंस्टॉल करो अपनी सिम को इस डिवाइस में, एंड उसके बाद क्रिएट करो ए 4G हॉटस्पॉट एवरीवेयर। तो गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, टोल फ्री नंबर है। एंड इसके अलावा विजिट कर सकते हो आप binetonglobal.com पर जाके, आप इसकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो। इस कंपनी की ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस डिवाइस में तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हो। गाइज, मैं आपको बता दूं कि बिनेटोन ब्रांड वो ब्रांड है जो पहले लैंडलाइन फोन बनाया करता था, तो उसी कंपनी का ये डिवाइस है। तो गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं, आज तक मैंने जितने भी डोंगल का रिव्यू किया है सभी के सभी चाइनीज ब्रांड थे, एंड ये बिनेटोन एक UK का ब्रांड है। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो इंडिया में नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये गाइस काफ़ी बढ़िया बात बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डिटेल वगैरह। चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बिनेटोन की डोंगल मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पर मैं पूरी क्विक स्टार्ट गाइड आपको दिखा देता हूँ। इन केस आप इस क्विक स्टार्ट गाइड को फेंक भी देते हो इन फ्यूचर, आपको कभी भी जरूरत पड़ती है क्विक स्टार्ट रीड करने की, तो आप वीडियो देख के कर सकते हो। एंड बॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी मिल जाती है। वोल्टेज इसकी 3.8V की है। एंड इसके अलावा कैपेसिटी इसकी 2700 mAh की है। एंड मॉडल नंबर जो भी इसका है मैं आपको मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पर। एंड इसके अलावा बॉक्स में हमें यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप सी नहीं है। तो गाइज, इसके स्पेसिफिकेशन रीड करके मुझे यही लग रहा है कि ये डोंगल डेफिनेटली हुवावी की डोंगल को टक्कर देने वाली है। तो गाइज, इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे ये डोंगल लगी है। तो अगर देखा जाए फ्रंट में ऑलमोस्ट आपको वही डिज़ाइन मिल जाएगा जो एक टिंडर डाटा का मिलता है। यहाँ पर आपको नेटवर्क इंडिकेशन लाइट, बैटरी इंडिकेशन लाइट, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कि आपको SMS इंडिकेशन लाइट भी मिल जाती है, एंड जो वाईफाई के सिग्नल है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, बिनेटोन की ब्रांडिंग है। एंड राइट साइड में आपको WPS बटन मिल जाएगा, एंड उसके अलावा नीचे आपको एक कटआउट मिल जाएगा
जिसकी हेल्प के साथ आप इसके बैक कवर को रिमूव कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको कोई भी बटन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। नीचे वाली साइड पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। इसको कर लेते हैं ओपन एंड देखते हैं हमें इन साइड में कौन कौन से फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइज तो मुझे ऑलमोस्ट यही लग रहा है कि मैं एक टेंडा डाटा कार्ड को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि जैसे हमें टेंडा डाटा कार्ड में देखने के लिए मिल रहे थे फीचर, ऑलमोस्ट वही यहाँ पर फीचर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर रिफंड करने का बटन है काफ़ी ज़रा नीचे करके लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिम रिजेक्टेड टूल के साथ इसको रिफंड करना पड़ेगा इन केस आपको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड सिम कार्ड को आप स्टैंडर्ड सिम कार्ड में कन्वर्ट करके फिर ही लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो आप मैक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, तो वही आपको 32 GB का यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। बिनेटोन की ब्रांडिंग मिल जाती है 4G LTE पॉकेट वाईफाई, तो यहाँ पर मॉडल नंबर आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा वाईफाई नेम लिखा हुआ है जिसे हम SSID बोलते हैं। एंड इसके अलावा जो पासवर्ड है 1234567 8, एंड इसके अलावा IP एड्रेस इसका मेंशन किया हुआ है, एंड एडमिन जो यूज़र नेम है एंड पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइस सिम कार्ड को डाटा कार्ड में लगाने से पहले हम देख लेते हैं हमें स्मार्टफोन में क्या स्पीड मिल रही है इस टाइम पर। एंड गो, तो यहाँ पर VA का अगेन हमारे पास सिम कार्ड लगा हुआ है स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर 10 MBPS की स्पीड आ रही है डाउनलोड की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। तो गाइज यहाँ पर कम हो चुकी है स्पीड, 6 MBPS के अप्रॉक्स चली गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 8 MBPS की जो डाउनलोड स्पीड आ चुकी है, तो देख लेते हैं हमें अपलोड स्पीड क्या मिल रही है। तो एक बार फिर से स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एंड गो। तो गाइज ये मैंने एक्सपीरियंस किया है VA सिम कार्ड के साथ, जब से सभी कंपनियों ने अपने प्लान के प्राइस बढ़ा दिए हैं उसके बाद जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो VA की सिम कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड पहले मिला करती थी मुझे, बट यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो कितनी ज़्यादा बेकार स्पीड आ रही है। तो ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मेरी लोकेशन पर जो VA की सिम कार्ड थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो स्पीड प्रोवाइड किया करती थी, बट यहाँ पर प्लान के प्राइस बढ़ाने के बाद जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है आपकी लोकेशन पर? क्या आपको स्पीड जो पहले मिल रही थी प्राइस बढ़ने से, क्या अभी भी आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है, या फिर सेम वही प्रॉब्लम आ रही है आपको भी? प्लीज़ कमेंट करके जो बताना कि आपको जो स्पीड है इनक्रीज होकर मिल रही है या फिर डिक्रीज होकर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़रा बेकार स्पीड आ रही है। तो अभी टर्न है, इसी सिम कार्ड को लगाएंगे हम इस डाटा कार्ड में एंड फिर देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो गाइस बैटरी इसकी काफ़ी ज़रा बड़ी एंड थिन है, तो अभी इसको करते हैं फर्स्ट टाइम बूट अप एंड गो। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेशन लाइट ग्लो करती है बैटरी की, तो यहाँ पर SMS की इंडिकेशन लाइट ब्लू कलर की है एंड नेटवर्क यहाँ पर कैच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रेड कलर की जो इंडिकेशन लाइट ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर वाईफाई की इंडिकेशन लाइट पहले ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, तो अभी हमारे पास जो नेटवर्क कैच नहीं किया इस डाटा कार्ड ने, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। तो गाइस डोंट वरी, हुआवे की डोंगल के साथ इसका फुल कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे ये विन करती है या हुआवे की डोंगल। यहाँ पर ऊपर वाली इंडिकेशन लाइट ग्रीन कलर की है, नीचे वाली ब्लू कलर की यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो गाइस यहाँ पर हम कनेक्ट कर चुके हैं हमारे स्मार्टफोन को इसी डिवाइस के साथ, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू एंड देखते हैं हमें क्या स्पीड मिलती है। तो मैं काफ़ी ज़रा एक्साइटेड हूँ कि इस डाटा कार्ड में हमें क्या स्पीड मिलती है। एंड यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल रही है। तो स्मार्टफोन में हमें 9 MBPS की स्पीड मिल रही थी, जहाँ पर आप देख सकते हो 2 MBPS की स्पीड एक्स्ट्रा मिल रही है, जो कम होके अप्रॉक्सीमेटली वही स्पीड बन चुकी है जो हमें एक स्मार्टफोन में देखने को मिल रही थी। तो अपलोड स्पीड देखते हैं हमें क्या मिलती है, तो अपलोड स्पीड भी वही मिल रही है जो एक स्मार्टफोन में। तो गाइज डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो जब हम इसमें कंप्लीट स्पीड टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे इसका नेटवर्क कवरेज एरिया कैसा है, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये डिवाइस वर्थ इट है या नहीं। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ टेंडर डाटा कार्ड, टक्जर डाटा कार्ड जो हमारे पास बैटरी वाली आती है, या फिर वोडाफोन डाटा कार्ड, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है, उससे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो बैटरी है वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो स्पीड कंपेरिजन होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमें ये पता चल जाएगा
कि ये वर्थ इट है बाय करना या नहीं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन हमारे पास जो स्पीड है कम होकर मिल रही है। तो इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलने वाला है कि बिनेटॉन डाटा कार्ड हमें क्या स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं ये डाटा कार्ड हमें क्या स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। एंड गो, तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट शुरू हो चुका है एंड देखते हैं हमें ये डाटा कार्ड कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8-7 Mbps की स्पीड है यहाँ पर अच्छे से मिल रही है, जो कम मौके 4 Mbps पर चली गई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़रा फ्लक्चुएट हो रही है स्पीड। तो गाइज अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू इसका दूं तो मुझे ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, जो स्विच की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर ये डिवाइस ब्लैक कलर में होती तो ऑलमोस्ट सिमिलर लगती टिंडर डाटा कार्ड से। तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है टिंडर डाटा कार्ड के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं। बट यहाँ पर आपको छोटी स्क्रीन मिलती है, नीचे आपको बिनेटॉन की जो ब्रांडिंग मिल जाती है, स्विच मिल जाता है, वो सेपरेट लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर पूरी प्लास्टिक होती तो इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी आपको और चीप लगने लग पड़ती। छोटी स्क्रीन होने का यहाँ पर बेनिफिट है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइज इसके अलावा इसका बैटरी बैकअप जो कंपनी क्लेम करती है 9 आवर का, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। 9 आवर नहीं तो आपको 7-8 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बैटरी बैकअप है। लास्ट में बात आ जाती है स्पीड एंड नेटवर्क कवरेज एरिया कितना मिलता है, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड वो वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर आ जाएगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस आई होप कि मैंने सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके या जितनी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी है, तो किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस यही थी यार की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो जहाँ पुराने हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।